हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में। सो आज हम बात करने वाले हैं एसी मिलान के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें उनके फॉल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने जाना कि किस तरह से एसी मिलान जो है 2007 यूएफा चैंपियंस लीग की विनर बनी। सो एक प्रॉब्लम जो उनके टीम के सामने अब आ रही थी वो थी उनके खिलाड़ियों की बढ़ती उम्र, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे उनकी टीम में जो कि 30+ ईयर्स के हो चुके थे, और स्क्वाड में सिर्फ 2-3 ही ऐसे खिलाड़ी थे जो इससे कम उम्र के थे। सो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात यह है कि एसी मिलान का ट्रांजिशनल फेज उनके सामने आ रहा था, और अब उन्हें चाहिए था कि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है रीबिल्ड पे लगाएं और आगे चलकर अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रखें। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे फैक्टर्स थे जो कि इस चीज को इफेक्ट कर रहे थे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो इसने इफेक्ट किया था एसी मिलान के रीबिल्ड को, वो था 2006 का कैल्चियोपोली स्कैंडल। हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसकी वजह से हुआ है कि सीरी ए की रेपुटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, और अब बड़े खिलाड़ी जो थे अब अट्रैक्ट नहीं होते थे सीरी ए की ओर और दूसरी लीग में खेलना चाहते थे, जिसके बदौलत हुआ है कि कैनावारो, ज़ैम्बराता, लिलिनथुरम जैसे खिलाड़ी जो थे बाकी लीग्स के लिए रुक कर गए। कैल्चियोपोली स्कैंडल के अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2007 में शुरू हुआ था, उसने भी एक नेगेटिव भूमिका निभाई एसी मिलान के रीबिल्ड में। उस दौरान हुआ ये कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो कि थी नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और यूरोप में भी, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि एसी मिलान भी ओन्ड बाय थी एक बिजनेसमैन, तो यहाँ पे बर्लुस्कोनी जो थे इस दौरान फेल्ड हुए इंजेक्ट करने में बहुत सारा ट्रांसफर मनी और ऑफर करने में बहुत सारी वेजेस बड़े बड़े खिलाड़ियों को। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसने इफेक्ट किया था एसी मिलान के रीबिल्ड को उस दौरान, और वो था लैक ऑफ स्टेडियम इनकम। जैसा कि आप सबको पता है कि एसी मिलान खेलता है सैन सीरियो के स्टेडियम में, और सैन सीरियो जो है एक रेंटेड स्टेडियम है, जिसका मतलब ये है कि एसी मिलान को अमाउंट पे करनी पड़ती है अपने मैचेस जो है वहां पे खेलने के लिए। वहीं दूसरे बड़े क्लब्स में होता है कि फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं उनके स्टेडियम्स, लेकिन इटली में ऐसा है कि ज्यादातर क्लब्स जो है रेंटेड स्टेडियम में खेलते हैं। सिर्फ इटली में 4 ही ऐसे क्लब हैं जिनके अपने खुद के स्टेडियम हैं, जिनमें से यूवेंटस, सासुओलो से और अटलांटा हैं। सो यहाँ पे इनकम जो है स्टेडियम से बहुत कम होती है बाकी क्लब्स की, तो यहाँ पे ये भी हैम्पर करती है उनके बड़े खिलाड़ी साइनिंग में। चैंपियंस लीग जीतने के अगले ही साल उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि यूएफा चैंपियंस लीग और कोपा इटालिया से वो राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गए। वहीं सीरी ए में भी वो 5th पोजीशन पे फिनिश किए, जिसके बदौलत वो अगले साल के लिए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। अगले ही साल 2008 में उन्होंने अपनी स्क्वाड को इम्प्रूव करने के लिए साइन किए 3 बड़े नाम, क्योंकि ये जो नाम थे वो थे डेविड बेकम, रोनाल्डिनियो और शेवचेंको। ये तीनों खिलाड़ी भले ही नाम तो बड़े थे लेकिन अपने प्राइम में नहीं थे। बेकम और शेवचेंको 30+ ईयर के हो चुके थे, वहीं रोनाल्डिनियो 28 साल के होने के बावजूद अपनी लाइफस्टाइल के चलते यहां पे फेड करते नजर आ रहे थे। दोस्तों बढ़ते हैं साल 2009 और 10 सीजन की ओर। ये जो सीजन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एक तरह से टर्निंग पॉइंट मान ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे इस सीजन के दौरान। सबसे पहले तो चेंजेस ये थे कि उनके जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर थे टीम के, यानी कि कार्लो एंचेलोटी, पाओलो मेल्डिनी और कका, ये तीनों जो थे क्लब को इसी साल छोड़ के गए थे। सबसे पहले बात करते हैं कार्लो एंचेलोटी की। तो उन्होंने जिताया था एसी मिलान को 2 यूएफा चैंपियंस लीग और 1 सीरी ए का टाइटल, तो वो अब रिजाइन कर चुके थे इसी साल, और यहाँ पे वो ज्वाइन करने वाले थे आगे चलकर चेल्सी को, और उनकी जगह एसी मिलान के नए मैनेजर बने लियोनार्डो, जो कि थे उस वक्त के स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जिन्होंने स्काउट किया था अपने टाइम में काका और पैटो को। वहीं क्लब के दूसरे डिपार्चर बने रिकार्डो काका, जो कि पहले कह रहे थे कि वो क्लब को नहीं छोड़ेंगे एंचेलोटी के जाने के बाद भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने ज्वाइन की रियल मैड्रिड 65 मिलियन यूरोस की एक बड़ी डील में। वहीं काका के बदले एसी मिलान ने रियल मैड्रिड से खरीदे डच खिलाड़ी यान क्लास हंटलर, जो कि आगे चलकर फ्लॉप साबित हुए। फाइनली तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्चर जो उस साल हुआ था वो था लेजेंडरी डिफेंडर पालो मेल्डिनी का रिटायरमेंट। मेल्डिनी उस वक्त 41 ईयर्स के थे और एसी मिलान की ओर से ऑलरेडी 902 मैचेस खेल चुके थे। मेल्डिनी ने अपने इस लंबे करियर में मैराडोना से लेकर मेस्सी और वैन बास्टन से लेकर रोनाल्डो तक का एरा अपनी आंखों के सामने देखा था, और एक बहुत ही बड़ा लीडर जो था उस साल एसी मिलान ने खोया था। उनकी इसी लेगेसी को ऑनर करने के लिए एसी मिलान ने उनकी जर्सी नंबर 3 को उनके साथ ही रिटायर कर दिया। उस साल नए मैनेजर लियोनार्डो के अंडर उन्होंने सीरी ए में 3rd पोजीशन पे फिनिश किया और यूएफा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में बाहर हुए। लियोनार्डो के इस प्रदर्शन के चलते ही उन्हें 1 साल के बाद ही सैक कर दिया गया और उनकी जगह आए नए मैनेजर मेसिमिलियानो एलेग्री। एलेग्री ने आते ही अपने पहले सीजन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। सबसे पहले उन्होंने साइन किया रोबिनियो को मैनचेस्टर सिटी से, वहीं ज्लाटान इब्राहिमोविच और क्वेविन प्रिंस बॉर्डिंग को ऑन लोन खरीदा एसी मिलान के लिए। वहीं दूसरी ओर डेडवुड को हटाते हुए जान क्लास हंटला, रोनाल्डिनियो और बेकम जो है क्लब को छोड़ के गए।
उस साल तीन खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा उभर के निकले वो थे ज्लाटान इब्राहिमोविच, दूसरे थे रोबिनियो और तीसरे थे पैटो, क्योंकि हर एक ने उस सीजन 14 गोल स्कोर करके 18 सीरे आ टाइटल जो है एसी मिलान को जिताया था, जो कि एलेग्री के पहले इस सीजन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगला सीजन एसी मिलान के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि हुआ ये कि उनके वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर एंड्रिया पिर्लो युवेंटस, जो कि उनके राइवल थे, उन्हें ज्वाइन कर गए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में युवेंटस ज्वाइन करने का रीजन जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई थिंक देयरफॉर आई प्ले में बताया, जिसके अकॉर्डिंग पोजीशन और फॉर्मेशन के लिए एलेग्री के साथ उनके संबंध जो थे अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि पिछले सीजन वो 4 महीने के लिए इंजर्ड रहे थे, जिसके बलबूते बैनबॉमल और गटूसो जो थे उनकी पोजीशन में खेल रहे थे। सो एलेग्री ने यहां पे 2006 फीफा वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा असिस्ट प्रोवाइड करने वाले खिलाड़ी एंड्रिया पिर्लो को ज्वाइन करवा दी थी युवेंटस फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई आगे चलकर, क्योंकि एंड्रिया पिर्लो और ज्यादा उभर के आए युवेंटस की जर्सी में। सो एंड्रिया पिर्लो को अब रिप्लेस करने के लिए एसी मिलान चाहती थी एक बहुत ही ज़बरदस्त मिडफील्डर, जिसके बदौलत हुआ ये कि एलेग्री और एड्रियानो गैलियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एक ज़बरदस्त मिडफील्डर को हैं एसी मिलान में साइन करने वाले हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया मिस्टर एक्स। सो मिस्टर एक्स की आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए एसी मिलान ने कुछ हिंट्स दिए फैंस को, जिनमें से उन्हें लग रहा था कि फैब्रिगास, टोनी क्रूज या फिर हैमसिंग जो हैं एसी मिलान को इस साल ज्वाइन करेंगे। ट्रांसफर विंडो खत्म होने पे एसी मिलान ने अपने मिस्टर एक्स की अनाउंसमेंट की, और वो थे अल्बर्टो एक्वानी। फैंस इस साइनिंग से काफी ज्यादा नाखुश भी थे और हैरान भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतना ज्यादा सस्पेंस एक्वानी जैसा खिलाड़ी डिजर्व नहीं करता। बाद में सुपर एजेंट मिनो रायला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एसी मिलान के उस वक्त के मिस्टर एक्स जो थे वो थे मैरिक हैमजिक, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के चलते उन्होंने ये खिलाड़ी साइन नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी मिलान की उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन को क्या हुआ होगा कि जिसके बदौलत वो हैमजिक जैसा इफेक्टिव प्लेयर जो है मिडफील्ड में साइन नहीं कर पाए। दरअसल हुआ ये था कि एसी मिलान के ओनर सिल्वियो बर्लुस्कोनी की कंपनी फिनइन्वेस्ट को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस साल कि वो पे करेंगे 560 मिलियन यूरोस का फाइन मोंडाडेरी सेंटेंस के तहत। इसके अलावा बर्लुस्कोनी जब से पॉलिटिक्स में आए थे वो सोच समझ के पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे थे एसी मिलान में, क्योंकि ओपनली अगर वो करते तो उनकी इमेज जो है वो गिर जाती लोगों के सामने, और आने वाले इलेक्शन जो कि 2013 के थे उससे पहले वो गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। सो फाइनली नेल इन द कॉफिन वाली बात तब हुई जब FFP रूल यानी कि फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल जो है वो पहली बार इंप्लीमेंट किए गए किसी सीजन में, और इसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी क्लब जो है अब अपनी अर्निंग से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। सो फाइनली ये थे 2-3 रीजन एसी मिलान के उस साल ट्रांसफर मार्केट में इनएक्टिव होने के और अच्छा रिप्लेसमेंट एंड्रिया पिर्लो का ढूंढने में। अगले सीजन साल 2012 में फ्रेंच क्लब PSG का राइज हमें देखने को मिला, जिसने एसी मिलान के डिक्लाइन में एक अहम भूमिका निभाई। उनके नए प्रेसिडेंट के पास ढेर सारा पैसा था और मिलान उस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। सो एसी मिलान ने अपने बुक्स को बैलेंस करने के लिए अपने बेस्ट खिलाड़ी ज्लाटान इब्राहिमोविच और थियागो सिल्वा को 53 मिलियन यूरो के टोटल अमाउंट पे बेच दिया। वहीं इसके अलावा उन्होंने एक टाइम वंडर किड कहे जाने वाले खिलाड़ी अलेक्जेंडर पैटो को भी कोरिंथियंस को 15 मिलियन यूरोस में बेच दिया। इन तीनों डिपार्चर के अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो थे एसी मिलान को उस साल छोड़ के गए, जिनमें से लेजेंडरी खिलाड़ी नेस्टा, गटूसो, वैन बॉबल, इंजांगी, ओडो और जैमरोटा जैसे खिलाड़ी जो थे फ्री ट्रांसफर पर एसी मिलान को छोड़ के चले गए। इन खिलाड़ियों ने जबरदस्त लॉयलिटी दिखाई, लेकिन फाइनेंशियल तौर पर एसी मिलान को कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाए। इन सभी टॉप लेवल खिलाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए एसी मिलान ने उस ट्रांसफर मार्केट में बहुत सारे खिलाड़ी खरीदे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी जो था उनको रिप्लेस नहीं कर पाया, जिनमें से बालोटेली, केविन कॉन्स्टेंट, बॉजियान, नाइजल डिजोंग और ज़पाटा के नाम आते हैं। सो एसी मिलान का डेक्लाइन जो है उनके सामने नजर आ रहा था, क्योंकि ना तो उनके पास अब कोई स्टार खिलाड़ी था, ना उनकी अच्छी मैनेजमेंट रही थी, क्योंकि एलेग्री जो थे साल 2014 में उन्हें छोड़ के चले गए थे, ना उनके पास खुद का स्टेडियम था जो कि उन्हें एक अच्छी इनकम जो है प्रोवाइड कर सके और फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, ना उन्होंने कोई यूरोपियन लेवल की ग्लोरी हासिल की थी पिछले सालों में ताकि फैंस जो थे उनके साथ बने रहें। सो हुआ ये कि 2010 से पहले जो सबसे ज्यादा सपोर्टेड टीम एसी मिलान इटली में मानी जाती थी, उसकी तो दिन ब दिन जो फैन फॉलोइंग है वो घटती गई। इस डेक्लाइन को देखते हुए साल 2017 में सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने एसी मिलान को 740 मिलियन यूरोस में एक चाइनीज बिजनेसमैन को बेचा, और क्लब के नए चेयरमैन ली योंगहोंग ने आते ही 11 नई साइनिंग की, जिनमें सबसे बड़े नाम बनुची और एंड्रे सिल्वा के आते हैं। सो फैंस को लगा कि एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एसी मिलान ने उस सीजन फिनिश किया 6th पोजीशन पे और चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बुरे प्रदर्शन के चलते जहां एक तरफ एसी मिलान अपने नए मैनेजर्स को सैक करते जा रही थी, वहीं दूसरी और उनके चेयरमैन ली योंगहोंग अपना डेब्ट जो है वो पे नहीं कर पाए, जिसके चलते उन्होंने एसी मिलान की ओनरशिप एलियट मैनेजमेंट जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उसके हाथों खो दी।
ऑन एंड ऑफ फील्ड दोनों ही तरीके से एसी मिलान जो है बुरी तरह से सफर कर रही थी, और इसका साफ प्रूफ यहाँ पे मिलता है क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने कुल 9 मैनेजर जो हैं वो चेंज किए हैं, और कुछ मैनेजर तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले हैं और एसी मिलान की मैनेजमेंट ने उन्हें यहाँ पे सैक कर दिया है, जो कि उनकी मिसमैनेजमेंट को शो करता है। इसके अलावा इस साल के यूरोपा लीग से वो ऑलरेडी बैंड है, तो यहाँ पे यूरोपियन ग्लोरी तो उन्हें इस साल नहीं मिलने वाली, लेकिन सेरिया में वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली उन्होंने यूवेंटस को 4-2 से हराया, तो यहाँ पे कुछ साइंस जो हैं वो शो करते हैं कि ये एसी मिलान जो है वापसी कर सकती है। यंग टैलेंट उनके पास काफ़ी ज़्यादा आ गया है और एक तरह से यंगेस्ट स्क्वाड मानी जाती है वो सेरिया में, तो यहाँ पे उस टैलेंट का वो फ़ायदा उठा सकते हैं फाइनेंशियली तौर पर भी और ऑन फील्ड भी उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टेडियम का भी रीबिल्ड सोचा हुआ है और 2024 तक जो स्टेडियम में नया बिल्ड हो जाएगा जो कि उनकी इनकम को डबल कर देगा। सो एसी मिलान को यहाँ पे चाहिए कि वो स्लोली एंड स्टेडीली जो है ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करें ताकि उनके ग्लोरी डेज जो है वो वापिस आ सकें और यूसीएल में हम उन्हें देख सकें। सो दोस्तों हमने देखा कि थ्रू आउट द ईयर किस तरह से एसी मिलान का डेक्लाइन जो है प्रोग्रेस हुआ और जाना कि यहाँ पे एक फैक्टर नहीं है बल्कि कई सारे फैक्टर्स जो थे इन्होंने अहम भूमिका निभाई एसी मिलान के डेक्लाइन में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए हमेशा की तरह देखते रहें और सपोर्ट करते रहें FreeKick Singh।